पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज कौन चलेगा, पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं राजनीति के बारे में। दोस्तों आज हम बहुत ही कॉमन सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पता नहीं, जो कुछ हिंदी के सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, उसके अंदर होता है, लेकिन हम उसे बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन सब्जेक्ट उसके अंदर होता है। जैसे पता नहीं, इसका मतलब होता है मुझे पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। जबकि इंग्लिश में क्या होता है कि उसको हम लिखते हैं। अब यहाँ पर जो पता नहीं है मतलब मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता नहीं, पता नहीं मुझे, या फिर पता नहीं, इन तीनों को लिए हम एक ही शब्द यूज करते हैं, आई डोंट नो, एक ही चीज यूज करते हैं, आई डोंट नो। इसके लिए स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आई डोंट नो प्लस सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। पता नहीं उसका क्या होगा, मतलब हुआ मुझे पता नहीं उसका क्या होगा। आई डोंट नो वॉट विल हैपन टू हिम, आई डोंट नो वॉट विल हैपन टू हिम। पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो वॉट हैपन, आई डोंट नो वॉट हैपन। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई। पता नहीं क्या करना है, पता नहीं क्या करना है, आई डोंट नो वॉट टू डू, आई डोंट नो वॉट टू डू। पता नहीं क्या करता, आई डोंट नो वॉट डज, आई डोंट नो वॉट डज। पता नहीं वो आपसे क्या चाहता है, मुझे पता नहीं वो आपसे क्या चाहता है, आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू, आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू। पता नहीं उन्हें कैसे समझाएं, पता नहीं उन्हें कैसे समझाएं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन देम, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन देम। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आपको पता नहीं बोलना है तो आपको आई डोंट नो का यूज करना है। पता नहीं कौन सा रास्ता, पता नहीं कौन सा रास्ता। दोस्तों इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें कमेंट्स बॉक्स पर बताना है, पता नहीं कौन सा रास्ता। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। दोस्तों यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।